हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज तोमर, मेरे यूट्यूब चैनल धीरज मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपको चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टार्ट कराया था, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, लीनियर एक्सप्रेशंस और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और मैंने इक्वेशन के बारे में भी आपको कंसेप्ट क्लियर कराया था बच्चों, ठीक है ना। तो आज हम उसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है बच्चों। एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जब एप्लीकेशन की हम बात करते हैं तो वहाँ उसका मीनिंग होता है कि उसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है, या हम उसको अपने बिहेवियर यानी उसको हम कैसे डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और उसे हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो बच्चों आज के चैप्टर में आज जो हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए, हम लीनियर इक्वेशन का यूज अपनी डेली लाइफ में कई जगह देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं आपको समझाने के लिए। एज प्रॉब्लम्स, आयु आधारित संबंधित समस्याएं जो भी होती हैं उनमें यूज किया जाता है। नंबर प्रॉब्लम्स, ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स, मनी प्रॉब्लम्स, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम्स, और भी बहुत सारी चीजों में हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए एज प्रॉब्लम्स में हम कैसे यूज करेंगे, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि राम और श्याम की आयु का यानी राम और श्याम की आयु का सम कितना है, 54 है। यदि राम की आयु श्याम की आयु से 10 अधिक हो तो बताइए श्याम की आयु क्या होगी, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई हमारे पास नंबर है, उस नंबर में जैसे 5 जोड़ दिया जाए, और जो 5 जोड़ने के बाद में जैसे जो रिजल्ट हमें मिलता है उसमें 5 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें 97 मिलता है, तो बताइए वह नंबर कौन सा है। तो इस तरीके से हम नंबर प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है ना। ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स में हम कैसे यूज करते हैं बच्चों, तो इसमें हम देखेंगे जैसे कि किसी रेक्टेंगल, जैसे कोई रेक्टेंगल है तो किसी रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसकी ब्रिथ से कितनी ज्यादा है, 2 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है बच्चों। तो बताइए, और उन दोनों का पेरीमीटर जैसे 54 दे रखा है, तो बताइए रेक्टेंगल की जो लेंथ और ब्रिथ क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। जैसे मनी प्रॉब्लम्स, जैसे कि किसी बच्चे के बैग में 100 रुपीज नोट्स, 50 रुपीज नोट्स एंड 10 रुपीज नोट्स के जो संख्या है यानी जो नोट्स रखे हुए हैं उसके बैग में, वो मान के चलिए 2, 3, 5 के अनुपात में रखे हुए हैं, तो वो हमसे पूछ सकता है उस बच्चे के पास टोटल मान के चलिए 4,000 रुपए हैं कुल मिलाकर बैग में, तो नोटों की संख्या पूछ सकता है कि 100 रुपीज नोट्स की संख्या कितनी है, 50 रुपीज नोट्स की संख्या कितनी है, 10 रुपीज नोट्स की संख्या कितनी है। तो इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं किसको, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स को, ठीक है। तो इसी तरीके से स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया कि हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 आज, और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसमें एक पॉइंट और बताना है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको इस एक्सरसाइज से पहले एक्सरसाइज 2.1 कराया था, जिसमें मैंने आपको ऐसी एलजेब्रिक इक्वेशन यानी ऐसी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाया था जिनमें एक तरफ आपका क्या होता था एक्सप्रेशन और दूसरी तरफ क्या होता था नंबर, ठीक है ना बच्चों। तो हमने एक्सरसाइज 2.1 में ऐसे एलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था जिनमें एक तरफ क्या था आपका एलजेब्रिक एक्सप्रेशन और दूसरी तरफ क्या था नंबर, ठीक है बच्चों। ये भी वैसे आपका एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, बट इसके साथ वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना बच्चों। ये क्या है, ओनली नंबर, ठीक है। तो हमने एक्सरसाइज 2.1 में क्या सॉल्व किए थे, ऐसे एलजेब्र के इक्वेशंस जिनमें एक तरफ एक्सप्रेशन था दूसरी तरफ नंबर था, ठीक है बच्चों। तो एक्सरसाइज 2.2 में हमें करना क्या है कि एक्सरसाइज 2.2 में हमें इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम गिवन होगी, ठीक है बच्चों। हमें इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके
इस तरीके का क्या बनाना होगा, लीनियर इक्वेशन बनाना होगा। क्या बनाना होगा, लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। तो बच्चों हम एक्सरसाइज 2.2 में जो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, जो लीनियर इक्वेशन हमारी निकल कर आया करेगी, वो लीनियर इक्वेशन कैसी होगी, जिसमें एक तरफ आपका क्या होगा एक्सप्रेशन आएगा और दूसरी तरफ क्या होगा नंबर, ठीक है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों एक्सरसाइज 2.2 का, देखिए। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, ठीक है ना बच्चों, क्या कह रहा है, यदि आप किसी नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हो एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और उस नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपके पास नंबर आएगा, उस नंबर को यानी वो जो रिजल्ट आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर, उस रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर यू गेट 1/8, आपको कितना मिलेगा, 1/8 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो व्हाट इज द नंबर, तो वह नंबर कितना है, यानी हमें वह नंबर बताना है बच्चों, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो आपका रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में 1/2 से यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें कितना नंबर प्राप्त होता है, 1/8। तो वह नंबर ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड दैट नंबर, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि वो नंबर हमारे पास कितना x है, ठीक है बच्चों, कितना है x है, तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट x बी अ नंबर, ठीक है बच्चों, x बी अ नंबर, ठीक है। मान लिया वह नंबर कौन सा है, x है, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों हमें क्या दे रखा है, यदि नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास नंबर कितना है, x। तो हम लिखेंगे यहां पर x, x में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है हमें, 1/2, ठीक है बच्चों। जो नंबर है ये नंबर हमें फाइंड आउट करना है, मान लिया हमने वो नंबर कितना है बच्चों, x है। जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो हमें ये वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, हमें इस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद में हमें एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, यानी लीनियर इक्वेशन यहाँ पर हमें बनाना है, फिर उसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी वह नंबर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमें जो नंबर दे रखा है उसमें से 1/2 माइनस करने पर, ठीक है बच्चों, जो रिजल्ट आएगा, ये हमें, हमने क्या कर दिया, 1/2 को माइनस कर दिया नंबर में से, अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है हमें, 1/2, ठीक है बच्चों। नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करने पर जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर, लिखा हुआ है यहाँ पर मल्टीप्लाई दी रिजल्ट बाई 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना नंबर मिलेगा बच्चों, 1/8, कितना नंबर मिलेगा बच्चों आपको, 1/8, ठीक है बच्चों। तो ये आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म आ गई, यानी इक्वेशन की फॉर्म आ गई बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि आपको पता है ब्रैकेट ओपन कैसे करते हैं, पहले 1/2 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे बच्चों, फिर 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 में करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स इंटू 1/2, मैं प्रॉपर तरीके से आपको ओपन करके दिखा देता हूँ बच्चों, ठीक है ना, जिससे आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1/2 का मैंने मल्टीप्लाई एक्स में किया, फिर 1/2 का मैंने 1/2 में किया, ठीक है बच्चों। तो एक्स इंटू 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा, x/2, 1 इंटू 1 करूंगा 1 आ गया, 2 इंटू 2 करूंगा बच्चों कितना आ गया, 4, ठीक है ना। अब जैसा कि हमारे पास ये क्या आ गया, एक लीनियर इक्वेशन आ गई, क्या आ गई बच्चों, लीनियर इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। अब इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आप जानते हैं अच्छी तरीके से, मैंने आपको कल सिखाया था और पढ़ाया भी था, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए अब हमें करना क्या है, हमारे पास ये जो दे रखा है 1/4, इस नंबर को हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड में,
ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम लिखते हैं x अपॉन टू 1/8 प्लस 1/4, 1/4 को हम उधर ले जाएंगे तो नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा। यहां लिख देता हूं मैं ट्रांसपोजिंग माइनस 1/4 टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, माइनस 1/4 को ट्रांसपोज करने पर राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस 1/4। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आ गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, x अपॉन टू एलसीएम कितना आ जाएगा 8, 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो इतना आ गया। 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 आ जाएगा बच्चों। इसे सॉल्व करेंगे 1 और 2 कितना हो गया बच्चों 3/8। ठीक है बच्चों, तो देखिए x अपॉन टू इक्वल टू कितना आ गया 3/8। ठीक है बच्चों, और जैसा कि x अपॉन टू यानी x के डिवीजन में कितना गिवन है, 2 गिवन है। ठीक है बच्चों, तो 2 से हम क्या कर देंगे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसको बच्चों यहां सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है यहां सॉल्व कर रहा हूं, इसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। x अपॉन टू इक्वल टू कितना है 3/8, दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगा बच्चों 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 8 कितने टाइम्स कट जाएगा बच्चों 4 टाइम्स, तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों हमारा 3/4। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों 3/4, तो वह नंबर कौन सा आया बच्चों 3/4। ठीक है ना, तो हमारा आंसर कितना आ गया 3/4। तो हमने जो नंबर लेट किया था x, वो नंबर हमारा कितना आ गया 3/4, जो हमसे पूछा था व्हाट इज दैट, व्हाट इज द नंबर, तो वो नंबर हमारा कितना आ गया 3/4। तो बच्चों क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखिए द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। ठीक है बच्चों, यानी एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसका पेरीमीटर कितना है 154। ठीक है बच्चों, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रिड्थ। ठीक है बच्चों, यानी जो स्विमिंग पूल की ब्रिड्थ है, लेंथ उस ब्रिड्थ के दोगुने का दो ज्यादा है। ठीक है बच्चों, फिर क्या कह रहा है, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रिड्थ ऑफ द पूल। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है और रेक्टेंगल की शेप कैसी होती है बच्चों, ठीक है ना। तो ये बच्चों आपका एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, ठीक है, इसमें मैं वाटर को इंडिकेट कर देता हूं इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये आपका रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। ठीक है बच्चों, अब हमें यहां पर करना क्या है, देखिए बच्चों हमें यहां पर जो लेंथ दे रखा है स्विमिंग पूल का, मान लीजिए ये क्या है लेंथ है, क्या है बच्चों ये क्या है लेंथ है। ठीक है बच्चों, ये स्विमिंग पूल की क्या है लेंथ, ठीक है ना, ये भी लेंथ ये भी लेंथ, ये क्या होगी हमारी ब्रिड्थ। ठीक है बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं ये ब्रिड्थ हो गई। तो रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की जो लेंथ है वो ब्रिड्थ के 2 टाइम्स यानी ट्वाइस ऑफ ब्रिड्थ यानी इसके दोगुने से 2 ज्यादा है। ठीक है ना, यानी यदि हम स्विमिंग पूल की लेंथ निकालें तो हमें इसका दोगुना करना पड़ेगा और इसके दोगुने में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा बच्चों 2 मीटर, उसके बाद में वो हमारा क्या आ जाएगा लेंथ आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले लेट करना पड़ेगा, लेट दी ब्रिड्थ ऑफ द स्विमिंग पूल टू बी एक्स मीटर। ठीक है बच्चों, कितनी है एक्स मीटर, कितनी है एक्स मीटर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कितना एक्स मीटर। ठीक है बच्चों, यानी मैंने मान लिया
कि इस स्विमिंग पूल की, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की ब्रेड्थ कितनी है? एक्स मीटर है, ठीक है बच्चों, कितनी है? एक्स मीटर है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर एक्स मीटर क्यों लिया? मीटर इसीलिए लिया बच्चों क्योंकि हमारे रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का जो पेरीमीटर है वो मीटर में दे रखा है, इसीलिए हम यहाँ पर जो यूनिट लेंगे वो भी क्या लेंगे? मीटर में लेंगे। यदि यहाँ पर सेंटीमीटर होता तो मैं यहाँ पर क्या लेता बच्चों? सेंटीमीटर लेता, ठीक है ना। तो देखिए, तो लेट द ब्रेड्थ ऑफ द स्विमिंग पूल टू बी एक्स मीटर, ठीक है। तो बच्चों हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ हमारा हो जाएगा, देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन है हमें बच्चों, क्या गिवन है बच्चों हमें? लेंथ इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों? ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी हमें ब्रेड्थ का क्या करना है? ट्वाइस करना है। तो इसका दोगुना करेंगे बच्चों, यानी ब्रेड्थ का दोगुना कितना हो जाएगा बच्चों? टू एक्स हो जाएगा। इसमें कितना जोड़ना है? टू मीटर मोर देन, मोर देन का मतलब होता है बच्चों ये दोगुने से दो ज्यादा है, यानी हमें इसमें टू और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारी क्या आ गई? इस रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की लेंथ आ गई, ठीक है ना, जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है ना बच्चों, जो हमने यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दी, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास ब्रेड्थ भी आ गई और हमारे पास लेंथ भी आ गया, अब हमें उसने पेरीमीटर भी गिवन दे रखा है, किसका? रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का, ठीक है। तो हमसे क्या निकलवाया उसने? रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की लेंथ कितनी आएगी और उसकी ब्रेड्थ कितनी आएगी, ठीक है ना बच्चों। तो आइए निकालते हैं। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल कितना होता है बच्चों? टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है बच्चों। ये हमारी क्या आ गई? पेरीमीटर आ गया, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, ये हमारा क्या होता है? रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, ठीक है बच्चों, जो आपको शायद याद भी होगा, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। तो बच्चों हमें पेरीमीटर कितना गिवन है? जैसा कि हमें गिवन है पेरीमीटर कितना है हमारे पास? 154 मीटर, ठीक है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल कितना है बच्चों, मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर ये देखिए बच्चों, मैं गिवन करके लिख देता हूं, गिवन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल टू बी कितना है बच्चों? कितना क्या बना? टू बी 154 मीटर, ठीक है। देयरफोर 154 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 154 इक्वल टू कितना हो जाएगा? टू लेंथ कितनी है बच्चों हमारे पास? 2x प्लस 2 प्लस हमारे पास ब्रेड्थ कितनी है बच्चों? x मीटर, कितनी है बच्चों? x मीटर, ठीक है ना। अब हमें ये सॉल्व करना है और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो मैं यहां पर ऊपर रफ कर देता हूं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास 154 इक्वल टू इतना आ गया बच्चों, ठीक है। तो 154 इक्वल टू देखिए बच्चों, 2x और x कितना हो जाएगा बच्चों? 3x, कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, ठीक है। 2x प्लस x करेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 2x और 1x, टोटल कितनी x हो गई? 3x, ठीक है बच्चों। तो 3x प्लस 2 क्या है हमारा? यह हो जाएगा। यह आप ऐसे समझ सकते हैं, ये दोनों हमारे कैसे टर्म है? लैग टर्म्स हैं। आपने एलजेब्र के एक्सप्रेशंस में पढ़ा होगा लैग टर्म्स और अनलैग टर्म्स क्या होते हैं। तो ये दोनों हमारे वेरिएबल वाले टर्म है, यानी ये दोनों लैग टर्म्स है हमारे, ठीक है, इसीलिए दोनों ऐड हो गए आपस में, और ये हमारा अनलैग टू कॉन्स्टेंट है, तो ये हमारा अलग आ गया, ठीक है बच्चों।
अब हम क्या करेंगे बच्चों, ब्रैकेट ओपन करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट ओपन कैसे करते हैं आपको पता है, टू का मल्टीप्लाई थ्री एक्स में करेंगे, फिर टू का मल्टीप्लाई टू में करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो ये 154 इक्वल टू कितना आ गया, टू इंटू थ्री करेंगे 6x, ठीक है बच्चों, और टू इंटू टू करेंगे तो कितना आ गया 4, ठीक है बच्चों। तो अब हमें करना क्या है, देखिए ये हमारा एलजेब्रिक का एक्सप्रेशन आ गया, ये नंबर आ गया, हम 4 को क्या करेंगे ट्रांसपोज कर देंगे किधर, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो 154 माइनस 4 इक्वल टू कितना है 6x, ठीक है बच्चों। तो ये कितना बचा, 150 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 6x, ठीक है। और अब हम 6 से क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 6 से डिवाइड कर देंगे। मैंने आपको बता रखा है बच्चों 150 अपॉन 6 इक्वल टू 6 अपॉन 6, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 6, ठीक है बच्चों। तो ये 6 से 6 कट गया, 6 से आप इसे काटेंगे तो 6 से 15 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, 3 बचेगा, 30 यानी 6 से 30 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, यानी हमारा यहाँ पर आ गया बच्चों x इक्वल टू 25। x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 25, यहाँ पर हमारा कितना बचा x इक्वल टू कितना आ गया 25, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा x इक्वल टू 25 आ गया। तो x बच्चों हमारा यहाँ पर क्या था, ब्रिड था, क्या था, ब्रिड्स था, ठीक है बच्चों। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, द ब्रिड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल कितनी आ गई बच्चों, इज कितनी आ गई 25 मीटर, ठीक है बच्चों 25 मीटर, एंड लेंथ इज, एंड लेंथ इज, लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चों। अब देखिए लेंथ हमारी कितनी थी बच्चों, 2x प्लस 2, लेंथ कितनी थी बच्चों हमारी 2x प्लस 2। तो मैं यहां पर लेंथ निकालता हूं बच्चों, तो लेंथ आ जाएगी 2x प्लस 2 बराबर 2 इंटू एक्स कितना आया है बच्चों हमारा 25, कितना आया है 25 प्लस 2, 25 इंटू 2 करूंगा तो 50 हो जाएगा बच्चों, 50 प्लस 2 कितना आ गया बच्चों 52। तो हमारी लेंथ कितनी आ गई बच्चों 52 मीटर आ गई, ठीक है ना बच्चों, कितनी आ गई 52 मीटर आ गई। तो मैं यहां लिख दूंगा एंड लेंथ इज 52 मीटर, ठीक है बच्चों। तो हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि इस रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की ब्रिथ कितनी है और लेंथ कितनी है ज्ञात कीजिए, और हमें कुछ कंडीशंस दे रखी थी, उन कंडीशंस का हमने यूज करके क्या निकाल लिया, एलजेब्रिक एक्सप्रेस एलजेब्रिक इक्वेशन आ गई हमारे पास, या लीनियर इक्वेशन आ गई, हमने सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, एक्स हमारा क्या था, ब्रिथ ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, और लेंथ हमारे पास गिवन है बच्चों, हमने दोनों निकाल के आपको यहाँ पर क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखें, द बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इज 4/3 cm, ठीक है बच्चों, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 2/15 cm, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। यानी क्वेश्चन बच्चों ये कह रहा है कि हमें कोई आइसोस्केल ट्रायंगल दिया हुआ है, आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है, वह ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स, तीनों साइड्स में से दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो, ठीक है ना, वह ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं वो हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ट्रायंगल का हमें जो बेस दे रखा है वो 4/3 cm दे रखा है, जो अनइक्वल साइड है, ठीक है ना, वो कितना दे रखा है 4/3 cm, और आइसोस्केल ट्रायंगल का हमें पेरीमीटर कितना दे रखा है बच्चों 4 2/15 cm, ठीक है। तो उसने हमसे पूछा है कि जो इक्वल साइड्स हैं ट्रायंगल की, उन इक्वल साइड्स की लेंथ क्या है बच्चों, वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों,
देखिए मैं यहां पर आपको डायग्राम बना देता हूं, ठीक है ना, आइसो स्केल्स ट्राइंगल का। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द बेस ऑफ एन आइसो स्केल्स ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, यानी हमें इस ट्राइंगल का जो बेस दे रखा है वो कितना है बच्चों, 4/3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और जो इसकी इक्वल साइड्स हैं, ये दोनों साइड कैसी है बच्चों, इक्वल है, ठीक है। तो इसे हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो जाएगी बच्चों, x सेंटीमीटर, क्योंकि आइसो स्केल ट्राइंगल्स में जो दोनों इक्वल साइड्स होती हैं वो हमारी बराबर होती है लेंथ की, ठीक है ना। तो ये भी x सेंटीमीटर और ये भी x सेंटीमीटर हो गया, ठीक है बच्चों। ये हमारा ट्राइंगल हो गया ए बी और सी, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहां पर मैं लेट कर लेता हूं, लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ आइसो स्केल्स ट्राइंगल टू बी एक्स सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। कितनी है, एक्स सेंटीमीटर। मैंने लेट कर लिया कि लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ आइसो स्केल ट्राइंगल टू बी एक्स सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं अब हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर। क्या गिवन है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ आइसो स्केल्स ट्राइंगल कितना गिवन है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ आइसो स्केल ट्राइंगल कितना है हमें, कितना है 4, करेक्ट 2/15 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। कितना गिवन है, 4, करेक्ट 2/15 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमारे पास तीनों साइड्स आ गई, हमारे पास ये भी साइड आ गई और ये भी साइड आ गई। जैसा कि आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स, ठीक है ना। और ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, तीन साइड्स होती हैं, तो तीनों साइड्स का जो सम होता है वही हमारा पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल होता है, ठीक है बच्चों। तो हम यहां पर अगर पेरीमीटर निकालेंगे तो बच्चों हम यहां पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ आइसो स्केल्स ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए एक्स प्लस एक्स प्लस 4/3, ठीक है बच्चों, 4/3, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ आइसो स्केल ट्राइंगल, ठीक है ना। पेरीमीटर ऑफ आइसो स्केल ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना है, ये इतना आ गया बच्चों, एक्स प्लस एक्स प्लस 4/3, यानी ये तीनों साइड्स का क्या हो गया, सम हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब हमें पेरीमीटर ऑफ आइसो स्केल ट्राइंगल बच्चों कितना गिवन है, 4, करेक्ट 2/15 सेंटीमीटर, इसीलिए देयरफोर हम यहां पर लिख देंगे, देयरफोर पेरीमीटर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स प्लस 4/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, करेक्ट 2/15, ठीक है बच्चों। कितना हो गया, x plus 4/3 इक्वल टू 4, करेक्ट 2/15, ठीक है। ये हमारा क्या है, पेरीमीटर, ये भी हमें गिवन, ये पेरीमीटर हमें कितना गिवन है, 4, करेक्ट 2/15, ठीक है बच्चों। इसको मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो 15 का मल्टीप्लाई 4 में करूंगा 60 आ जाएगा, 60 प्लस 2 करूंगा तो 62 आ जाएगा बच्चों, अपॉन 15, ठीक है ना, 62/15 आ गया, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है x और x कितना हो जाएगा, 2x, ये दोनों लैक्टर में ऐड हो गए बच्चों, ये 4/3 एज इट इज आ जाएगा बच्चों, और ये मेरा कितना आ गया, 62/15, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये हमारा क्या आ गया, ये हमारी लीनियर इक्वेशन आ गई। अब इसे हम सॉल्व करना अच्छी तरीके से जानते हैं बच्चों, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, 4/3 को हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो 2x इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3, ठीक है बच्चों।
तो ये सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा, 15 हमारा क्या आ गया बच्चों, एलसीएम आ गया, 15 से 15 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 62 माइनस 3 से 15 को 5 टाइम्स 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना आ जाएगा 20। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया इतना। बच्चों इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। आइए 2x इक्वल टू कितना आ गया, 62 में से 20 गई तो बच्चों कितने बचा, 42 अपॉन 15। अब इधर अपना कितना है, x के मल्टीप्लाई में 2 है तो दोनों तरफ 2 से क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, देखिए 2 से 42 20 वन बार कट गया, और 3 से 15 5 बार कट गया, और 3 से ये कितना कट गया बच्चों 7, ठीक है ना, कितना कट गया 7। तो हम कितना आ गया बच्चों 7 अपॉन 5, ठीक है ना। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे बच्चों, तो डिवाइड करके हम लिख सकते हैं 5 से यदि हम 7 को डिवाइड करेंगे तो 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 करेक्ट 2 अपॉन 5। तो बच्चों ये हमारा x जो हमने लेट किया था वो क्या था, लेंथ जो हमारा आइसोस्केल ट्राइंगल्स की दोनों साइड इक्वल गिवन थी उसकी क्या आ गई, लेंथ आ गई, ठीक है ना, साइड की लेंथ आ गई। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1 करेक्ट 2 अपॉन 5। तो बच्चों आज के लिए आपके 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं, इस एक्सरसाइज के जो बचे क्वेश्चन हैं आपके वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको क्वेश्चंस जो मैंने कराए अगर वो अच्छी तरीके से समझ में आए हो तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। अगर किसी की समझ में कोई क्वेश्चन ना आया हो या कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जिन बच्चों को भी क्लास 8th का मैथ कम्प्लीटली और अच्छी तरीके से पढ़ना हो तो वो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी बच्चे पढ़ सकें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।